हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वीवो का T3X लॉन्च होने वाला है, रियलमी के दो स्मार्टफोन्स P सीरीज के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों, इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज इंडिया के अंदर आने वाली है। ये सभी ब्रांड्स के अंदर फोन्स आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मोटोरोला भी कैसे पीछे रह सकता है। मोटो G34 के बाद जो है दोस्तों अब इंडिया के अंदर आने वाला है मोटो का G64, जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है दोस्तों इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और जो है 16-17 तारीख में जो है ये लॉन्च हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा रहेगा, कि आपको जो है मोटोरोला अगर आप एक जो है पसंद करते हैं ब्रांड, तो आपको जो है दोस्तों इसको परचेस करने के लिए रुकना चाहिए या फिर जो है दोस्तों आपको दूसरा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और मैं इसके अनबॉक्सिंग करने की भी कंपैरिजन करने की दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ पूरी कोशिश करूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है इसके अंदर, जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7025। तो दोस्तों परफॉर्मेंस जो है दोस्तों आपको इसके अंदर काफी बढ़िया मिल जाएगी। अगर आप एक हैवी यूजर है, जैसे आपको गेमिंग वगैरह करनी है, तो इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिल जाएगी। प्रोसेसर इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग है वो भी 15,000 के आसपास ही रहने वाली है। हो सकता है ऊपर हो जाए थोड़ी बहुत या फिर नीचे भी। वैसे मैं उम्मीद करता हूं 15,000 से नीचे ही आ जाए तो काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी तक ज्यादातर स्मार्टफोन जो है ना 20,000 से 18,000 20,000 तक ही लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा रियलमी का 12X आया और भी दूसरे स्मार्टफोन्स आए, सैमसंग गैलेक्सी F15, M15 अमेजोन पर जो है उसकी भी सेल लाइव हो चुकी है। तो ये स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जो दोस्तों आपको 15,000 से नीचे मिलने वाले हैं, और अब रियलमी के भी दो स्मार्टफोन्स 15,000 से नीचे आएंगे। तो मतलब प्राइसिंग जो है 15,000 से नीचे ही अच्छी लगती है, मतलब इसी प्राइस में फोन आ जाए तो बढ़िया रहता है, वरना थोड़े और ज्यादा महंगे हो जाते हैं। तो दोस्तों वो चीज आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको जो है रैम और स्टोरेज की बात करें, तो इसके अंदर आपको 12 GB तक रैम मिल जाएगी और 256 GB स्टोरेज। तो स्टोरेज तो आपको काफी बढ़िया मिल जाएगी मोटो के G64 के अंदर। अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए 256 GB, तो वो चीज इसमें आपको काफी बढ़िया मिल जाएगी। तो स्टोरेज आपको काफी बढ़िया मिलनी है मोटो के G64 के अंदर, तो ये चीज काफी बढ़िया है इसमें। और इसका मतलब दूसरा वेरियंट भी आएगा, 8x28 भी आपको मिल जाएगा। मतलब 8 GB रैम चाहिए, 128 GB स्टोरेज, तो वो वाला वेरियंट भी मिल जाएगा। हो सकता है उसका प्राइस 13,000-14,000 तक आ जाए और इसका प्राइस 15,000-16,000 तक रहे, तो वो चीज देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों इनकी जो है मैं फुल अनबॉक्सिंग करने की भी कोशिश करूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसके अंदर आपको बैटरी कितनी मिलती है, तो मोटो के G64 में आपको मिलेगी बैटरी 6000 mAh की। तो बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा मोटोरोला के और दूसरे स्मार्टफोन्स की तरह, जिनके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, तो वो चीज काफी बढ़िया। और चार्जर मिलता है इसके साथ 33 वॉट का, 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा इसके अंदर। तो ये चीज जो मुझे थोड़ी नॉर्मल लगी, अगर चार्जर थोड़ा और ज्यादा फास्ट हो जाता ना, 45 वॉट का और ज्यादा, मतलब 67 वॉट का इस तरीके का चार्जर होता तो काफी बढ़िया रहता। तो 33 वॉट का चार्जर तो मतलब 20,000 के अंदर, मतलब 10,000 के आसपास तो और दूसरे स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर जो थोड़ा और ज्यादा बेटर होता तो काफी बढ़िया रहता, तो वो चीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें डिस्प्ले आपको कैसी मिलेगी मोटो के G64 के अंदर, तो इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी दोस्तों, 6.5 इंच की एक्सैक्ट आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी। तो मतलब ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा फोन या ना बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, और 190 ग्राम के आसपास इसका वेट रहने वाला है। तो काफी ज्यादा आपको जो ये मतलब ठीक ठाक मिल जाएगा, ना बहुत ज्यादा हैवी लगेगा ना बहुत ज्यादा लाइट वेट, मिड में आपको ये फोन मिल जाएगा। डिजाइन वगैरह दोस्तों इसका रिवील हो चुका है, तो वो चीज आप देख सकते हैं फोटोज के अंदर कैसा आपको ये देखने को मिलने वाला है मोटो का G64। इसके अंदर आपको बैक साइड पर जो मेन कैमरा मिलेगा दोस्तों, 50 MP का मेन कैमरा मिलेगा OIS के साथ। तो कैमरे की परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया मिल जाएगी, एंटी शेक कैमरा इसके अंदर आपको मिल जाता है, तो OIS का सपोर्ट इसके अंदर आपको दिया गया है, ये चीज काफी बढ़िया है। और फोटोज की क्वालिटी मोटोरोला की वैसे काफी बढ़िया रहती है, तो उसको जो है मैं प्रॉपर जो है दोस्तों जब फोन आ जाएगा उसको रिव्यू करके मैं आपको बता दूंगा कि कैमरा एक्जैक्टली अच्छा है या फिर कैसा है, एवरेज है या फिर बढ़िया है, तो वो चीज कैसी देखने को मिलेगी। बाकी इसके अंदर आपको डिस्प्ले जो है ना दोस्तों, ये 6.5 इंच की जो मिलती है IPS डिस्प्ले मिलेगी, एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगी इसके अंदर। तो ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, जो कि जो है एमोलेड डिस्प्ले होती तो काफी बढ़िया रहता, लेकिन रिफ्रेश रेट आपको बढ़िया मिल जाएगा 120Hz। तो स्मूथनेस तो आपको बढ़िया मिल जाएगी मोटो के G64 में, यूज करने का जो एक्सपीरियंस है काफी बढ़िया हो जाएगा। और जो दोस्तों इसके अंदर आपको जो है यूजर इंटरफेस भी काफी बढ़िया मिलेगा मोटोरोला के और दूसरे स्मार्टफोन्स की तरह, तो इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 14 मिल जाएगा पहले से ही, और जो अपकमिंग अपडेट्स भी इसके अंदर आपको काफी जल्दी देखने को मिलेंगे। और जो इसके अंदर आपको दोस्तों फालतू के एप्लीकेशंस का भी झंझट नहीं मिलेगा, ना एड्स वगैरह की दिक्कत, तो वो चीज तो ब्लॉटवेयर आपको देखने को मिलता ही नहीं, तो वो चीज काफी बढ़िया रहने वाली है इसके अंदर भी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की इसके अंदर आपको स्क्रीन पे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और जो है दोस्तों इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाएगा दोस्तों, और IP52 रेटिंग्स के साथ ही आने वाला है, तो वो चीज भी आपको देखने को मिल जाती है। तो फीचर्स देखे जाए तो रेट के हिसाब से काफी बढ़िया ही होने वाले हैं। अगर ये फोन जो है मतलब अगर आ गया ना, मतलब ये इसका 8x28 वाला वेरिएंट अगर आ गया इसका 13,000 के आसपास, तो काफी बढ़िया ही हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर जो चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, एक तो ये है दोस्तों चार्जर थोड़ा और फास्ट हो जाता तो काफी बढ़िया रहता, चलो चार्जर के बिना काम चल भी जाएगा, 33 वॉट के चार्जर से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर डिस्प्ले जो है एमोलेड हो जाती तो और भी बढ़िया हो जाता, तो वो चीज तो देखने को नहीं मिलती। बाकी प्रोसेसर आपको बढ़िया दिया गया है, कैमरा बढ़िया मिल जाता है, डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट अच्छा मिल जाता है। वैसे मोटोरोला की डिस्प्ले की क्वालिटी ना काफी बढ़िया रहती है, IPS डिस्प्ले होने के बाद भी कलर्स वगैरह काफी बढ़िया आपको मिल जाते हैं,
तो रियल लाइफ में देखेंगे एक्सपीरियंस लॉन्च होने के बाद कैसा फोन ये रहने वाला है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको ये मोटो का G64 कैसा लगा कैसे नहीं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को लेकर, इसी के साथ जो दोस्तों परफॉर्मेंस को लेकर, और जो है इसके अंदर आपको 14 5G बैंड्स मिल जाएंगे, 5G का सपोर्ट मिल जाएगा प्रॉपर, और जो है इसके अंदर आपको एक चीज काफी बढ़िया ये मिलती है, बैटरी बहुत बढ़िया मिलने वाली है। तो ये चीजें आपको काफी कमाल की मिल जाती है मोटो के G64 में। आपको ये इसके अंदर कौन सा फीचर पसंद आया, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इसके अनबॉक्सिंग की वीडियो देखना चाहते हैं फिर नहीं, वो चीज भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हेल्पफुल लगी तो शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।